हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट ट्रिक्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप एक मोबाइल का व्हाट्सएप डाटा दूसरे मोबाइल में किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपने कोई न्यू फ़ोन परचेज़ किया है तो आप अपने पुराने फ़ोन का व्हाट्सएप डाटा अपने नए फ़ोन में बहुत ही आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चाहे आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो और दूसरा आईफोन हो, आप बहुत ही आसानी से दोनों में डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे वंडर शेयर मोबाइल ट्रांस सॉफ्टवेयर को। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ से व्हाट्सएप को ट्रांसफ़र, बैकअप और रिस्टोर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने व्हाट्सएप की चैट्स, फोटोज़, वीडियोस और अटैचमेंट्स को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अपने व्हाट्सएप का बैकअप ले सकते हैं और उसको जब चाहे रिस्टोर कर सकते हैं। तो डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लें और इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन करें तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो इसकी मदद से आप ना सिर्फ व्हाट्सएप का डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं बल्कि आप अपने फ़ोन में मौजूद तमाम डाटा एक मोबाइल से दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसा कि फ़ोटोज़, कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस वगैरह। और आप अपने फ़ोन का बैकअप भी ले सकते हैं और उसको जब चाहे रिस्टोर कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप का डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए व्हाट्सएप ट्रांसफ़र मॉड्यूल पर क्लिक करें और उसके बाद ट्रांसफ़र के बटन पर क्लिक कर दें। तो यहाँ से आप व्हाट्सएप, व्हाट्सएप बिजनेस, लाइन, वाइबर, किक और वी चैट का डाटा भी एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके दो मेथड हैं। तो पहले तरीके की मदद से आप व्हाट्सएप का मैसेज एक फ़ोन में दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और दूसरे तरीके की मदद से आप पहले अपने पुराने फ़ोन का बैकअप अपने कंप्यूटर में सेव कर लें और फिर उसको जब चाहे अपने न्यू फ़ोन में रिस्टोर कर लें। तो हम पहले मेथड को ट्राई करते हैं और यहाँ से ट्रांसफ़र व्हाट्सएप मैसेज पर क्लिक करते हैं। तो अपने दोनों फ़ोन्स को USB डाटा केबल की मदद से PC के साथ कनेक्ट करें। तो यहाँ से डाटा सोर्स फ़ोन से डिस्टिनेशन में ट्रांसफ़र होगा। मीन्स कि अभी सोर्स में हमारा आईफोन और डिस्टिनेशन में एंड्रॉयड है। इसका मतलब है कि आईफोन के व्हाट्सएप के मैसेज एंड्रॉयड में ट्रांसफ़र होंगे। अगर आप एंड्रॉयड के मैसेज आईफोन में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ फ्लिप के बटन पर क्लिक करें, दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इन दोनों की पोजीशन चेंज कर सकते हैं और इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें तो ये व्हाट्सएप डाटा ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ ही मिनट में आपके एक मोबाइल के व्हाट्सएप का सारा डाटा दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अपने दोनों फ़ोन्स को USB डाटा केबल की मदद से PC के साथ कनेक्ट किए रखें और इनको तब तक ना उतारें जब तक सारा प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। और ट्रांसफ़र होते वक्त दोनों फ़ोन्स को बिल्कुल भी यूज़ मत करें। यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करें, यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके फ़ोन में कितना डाटा मौजूद है। तो जब ऐसी स्क्रीन शो हो, आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन की सेटिंग में जाकर अपने व्हाट्सएप की स्टोरेज परमिशन को एनेबल कर दें। आप ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन भी फॉलो कर सकते हैं और उसके बाद अपने व्हाट्सएप को एक्टिवेट करें और यहाँ से नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो दूसरे तरीके की मदद से आप अपने फ़ोन का पहले बैकअप ले सकते हैं और फिर उसको जब चाहें रिस्टोर कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप का बैकअप लेने के लिए यहाँ बैकअप व्हाट्सएप मैसेज पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी आईफोन का बैकअप कंप्यूटर में सेव होगा। तो आप जिस फ़ोन का बैकअप लेना चाहते हैं उसको PC के साथ कनेक्ट कर लें और यहाँ से स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर दें। यहाँ पर ये 1 से 2 मिनट लेगा और आपका बैकअप आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। यहाँ व्यू इट के बटन पर क्लिक करके आप बैकअप भी देख सकते हैं और जब आप इसको रिस्टोर करना चाहें तो रिस्टोर टू डिवाइस के बटन पर क्लिक करें और अपने मोबाइल को USB डाटा केबल की मदद से PC के साथ कनेक्ट करें जिस डिवाइस में आप व्हाट्सएप का डाटा रिस्टोर करना चाहते हैं और उसके बाद स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर दें तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये कुछ सेकंड्स लेगा, यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करें।
तो आप ये देख सकते हैं कि ये प्रोसेस भी 100% कंप्लीट हो चुका है। तो ये मेथड बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से आपने व्हाट्सएप का तमाम डाटा एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।